देखिए, कुछ दिनों से हमारे पास कई शिकायतें ऐसी आ रही हैं जिसके अंदर जो फ्रॉडस्टर है, जो साइबर क्राइम हो रहा है, इसके अंदर लोगों की जो है फेक व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाई जाती है, उनके अंदर सेम वैसी ही फ़ोटो जो है उनकी लगाकर, और फिर उस व्हाट्सएप प्रोफाइल के माध्यम से उनके करीबी रिश्तेदारों को, मित्रों को, साथ में काम करने वालों को, उनको मैसेज भेजे जाते हैं कि ऐसे हैं हम, ये मेरा प्राइवेट नंबर है, ये मेरा नया नंबर है, और इस पे आप जो है मुझे इमिजिएटली पैसे ट्रांसफ़र करें, या अमेज़न का गिफ्ट कार्ड खरीद के भेजें, या पेटीएम से ट्रांसफ़र करें। तो ये एक नया साइबर फ्रॉड का तरीका जो है अभी कुछ दिनों में सामने आया है, और ये कई स्टेट्स के अंदर, कई राज्यों के अंदर फैल रहा है। तो हमारी जो है जनता से यही अपील है कि इन ऐसे जो व्हाट्सएप कन्वर्जेशंस हैं या नकली फेक प्रोफाइल्स हैं, इनके झांसे में, लोगों के झांसे में ना आएं, और जो है पहले अच्छे तरीके से जांच लें कि ये नंबर सही है या गलत है, और जिसके नाम से ये मैसेज भेजा जा रहा है उसी से जो है फ़ोन पे बात करके पूछ लें कि क्या ये नंबर सही है, और अगर उनको लगता है कि फ्रॉड है तो इमीजिएटली व्हाट्सएप के अंदर जो फीचर अवेलेबल होता है रिपोर्ट एंड ब्लॉक करने का, उस पर क्लिक करें और उस मैसेज को ब्लॉक करें। कुछ सफलता हाथ लगी है आपको? हाँ, इसके अंदर हमने कुछ मोबाइल भी सीज़ करे हैं, हमने अपनी टीमें दिल्ली भी भेजी हैं, और जो है अभी भी वो टीमें बाहर हैं, और जैसी भी जो है आगे की कार्रवाई होती है वो अमल में लाई जाएगी। इसके अंदर जो जो पब्लिक है, या कई बार किसी का जो है सेम नंबर का मिलता जुलता एक वर्चुअल नंबर बना लिया जाता है, या उनके नंबर पे ओटीपी आता है, वो ओटीपी का इस्तेमाल कर लिया जाता है, या फ़ोन को हैक कर लिया जाता है, या सिम को हैक कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है, वो आपके फ़ोन पे ना आके जो फ्रॉडस्टर के लैपटॉप या मोबाइल पे है उस पे डाइवर्ट हो जाता है, और उस ओटीपी का इस्तेमाल करके जो है फेक व्हाट्सएप प्रोफाइल उसी नंबर की वो फ्रॉडस्टर अपने फ़ोन के अंदर बना लेता है, और उस पे आपकी फ़ोटो इंटरनेट से ढूंढ के या कहीं इधर उधर से निकाल के उस पे लगा लेते हैं, और उस फ़ोटो का इस्तेमाल करके बाकी अपने जो हैं जो हमारे विक्टिम है या कंप्लेनेंट है उनके फ़ोन पे जो है मैसेज भेजते हैं। तो तो जांच उस में कुछ दिक्कत आती है आपके? आप ये देखिए, जांच थोड़ी कठिन होती है, बट इसके अंदर दिक्कतें भी आती हैं, बट ये जो है हम अपने तरीके से इसको करते रहते हैं। सर, करेंसी का इस्तेमाल किस तरह से होता है? क्या वर्चुअली या फिर या वही पुराना तरीका है कि पैसे विड्रॉ हो जाते, कट हो जाता है अकाउंट से? इसके अंदर देखिए, जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो फेक एक व्हाट्सएप प्रोफाइल से बाकी लोगों को मैसेज भेजते हैं कि ये मेरा प्राइवेट नंबर है, ये मेरा नया नंबर है, या ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे मेरे से बात करें, या इस नंबर पे जो है आप मेरे को अमेज़न का गिफ्ट कार्ड भेजें, मैं किसी काम से व्यस्त हूँ, किसी काम में व्यस्त हूँ, या मुझे पेटीएम का मेरा ये नंबर है, इस पेटीएम पे मुझे जो है इतने पैसे ट्रांसफ़र करें, या जो है यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करें, या गूगल पे के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करें। तो इस तरीके से जो है वो लोगों को लुभाते हैं कि पैसा जो है हमें ट्रांसफ़र करें, और जो है कंप्लेनेंट के अकाउंट से पैसा कट जाता है।